हमारे पृथ्वी सौर मंडल का सबसे खास ग्रह, क्योंकि अब तक इसी पर ही जीवन संभव है। इस समय बहुत से लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, जबकि सौर मंडल में अन्य 7 ग्रह भी तो मौजूद हैं। अगर आप भी इस सवाल के जवाब की तलाश कर रहे हैं तो बने रहें इस वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं धरती के निर्माण और जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को, पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन की शुरुआत। सौर मंडल में स्थित हमारी पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 71% पानी मौजूद है। पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर इतनी ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद नहीं है, जो कि किसी भी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। आपने कई बार सुना ही होगा कि जल ही जीवन है, लेकिन धरती पर यह पानी कब और कहां से आया होगा, जिसने इस पृथ्वी को नीले ग्रह में बदलकर जीवन की शुरुआत की थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पीछे जाना होगा, जब न तो पृथ्वी का अस्तित्व था और न ही सूर्य का निर्माण हुआ था। आज से 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल की जगह पर एक विशाल आकार का बादल मौजूद था, जो धूल कणों, खत्म हो चुके तारों, हीलियम और अन्य गैसों के मिश्रण से तैयार हुआ था। इस प्रकार के बादल को निबला कहा जाता है, जो हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। बीतते समय के साथ साथ उस बादल में गुरुत्वाकर्षण की वजह से धूल कण और खत्म हो चुके तारे आपस में जमा होने लगे, जिसकी वजह से उसका तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और परिणाम स्वरूप बादल सिकुड़ गया। ऐसे में एक दिन गुरुत्वाकर्षण और बढ़ते तापमान की वजह से निबला बादल में भयंकर विस्फोट हो गया, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलने लगी और इस तरह हमारे सूर्य का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में सौर मंडल के केंद्र में मौजूद है। इस विस्फोट से सूर्य का तो निर्माण हो गया था, लेकिन इसके बादल के केंद्र में मौजूद विभिन्न ग्रहों का निर्माण होना बाकी था। ऐसे में सूर्य की तेज गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से अंतरिक्ष में घूम रहे विभिन्न चट्टानों और धूलकणों के कण आपस में जुड़ते चले गए, जिसकी वजह से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल समेत अन्य चट्टानी ग्रहों का निर्माण हो गया। ये सभी ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए थे, इसलिए अपने निर्माण के बाद सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा गोल गोल चक्कर में लगाने लगे, जिससे ग्रहों का आकार धीरे धीरे गोल होता चला गया। क्योंकि चट्टानों और धूल कणों से बने हुए ग्रह सालों तक अपनी धुरी पर घूमते हुए अच्छी तरह से घिसकर गोलाकार हो चुके थे, इन्हीं ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी शामिल थी, जो चट्टानों और धूल कणों से मिलकर बनी हुई थी। इतना ही नहीं, शुरुआती दौर में हमारी पृथ्वी का रंग रूप बिल्कुल ही अलग था, जो अपनी शुरुआती दौर में शुक्र ग्रह से मिलती जुलती थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए आग के गोले के समान दिखाई देती थी, जो बीतते समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी के निर्माण के समय उसकी औसतन तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस थी, जबकि यहाँ पानी और ऑक्सीजन जैसे जीवनदायक तत्वों का नामो निशान नहीं था। इस दौरान पृथ्वी पर लगातार कई वर्षों तक उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बारिश होती रही, जिन्होंने पृथ्वी के निर्माण के समय अहम भूमिका निभाई थी। इन उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की वजह से पृथ्वी पर भयंकर विस्फोट हो रहे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर गर्म और खोलते हुए लावा के नदियों का निर्माण हो गया। पृथ्वी पर हो रहे इन भयंकर विस्फोटों को हैडियन ईरा के नाम से भी जाना जाता है। इन उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बारिश की वजह से पृथ्वी पर भारी और गर्म पदार्थ इकट्ठा हो गए थे। एक तरफ जहां पृथ्वी आग के गोले के रूप में बदल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक अनजान और विशाल आकार का ग्रह हमारी पृथ्वी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था। आज से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी एक थिया नाम के ग्रह से टकराया था, जो आकार में मंगल ग्रह से थोड़ा सा छोटा था। थिया ग्रह पृथ्वी से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक भयंकर विस्फोट होता है। इस विस्फोट को दी लेट हैवी बम्बाइट के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का बड़ा और बाहरी हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया। पृथ्वी के इस टूटे हुए हिस्से से चांद का निर्माण हुआ था, जिसके कर अंतरिक्ष में कई सालों तक आपस में जुड़ते रहे। इस तरह पृथ्वी को अपना इकलौता उपग्रह मिल गया था। हालांकि अपने निर्माण के शुरुआती दौर में चांद पृथ्वी के काफी करीब हुआ करता था, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता था, लेकिन बीतते समय के साथ साथ चांद पृथ्वी से दूर चला गया और उस पर उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बारिश होती रही, जिसकी वजह से चांद के सतह पर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो गया, जो कि पृथ्वी से देखने पर काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं।